साथियों, भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे वेदों में कहा गया है, त्वाम विशो व्रणताम, त्वाम विशो व्रणताम राज्याय त्वाम मिमाहा प्रदिशः पंचदेवी, अर्थात राजा को सभी प्रजा मिलकर स्वयं चुने और विद्वानों की समितियां उसका निर्वाचन करें, ये वेद में कहा गया है, हजारों साल पूरे ग्रंथ में कहा गया है। आज भी हमारे संविधान में सांसदों विधायकों का चयन, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चयन इसी लोकतांत्रिक मूल्य पर टिका हुआ है। एक विचार के रूप में हमारे यहां लोकतंत्र इसलिए हजारों वर्षों से जीवित है क्योंकि भारत लोकतंत्र को समता और समानता का माध्यम मानता है। भारत सह अस्तित्व और सौहार्द के विचार में भरोसा करता है। हम सत में भरोसा करते हैं, सहकार में भरोसा करते हैं, सामंजस्य में भरोसा करते हैं और समाज की संगठित शक्ति में भरोसा करते हैं। इसलिए हमारे वेदों ने हमें यह भी मंत्र दिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, अर्थात हम मिलकर चले, मिलकर बोले, वो एक दूसरे के मनों को, एक दूसरे के विचारों को जाने और समझे। इसी वेद मंत्र में आगे कहा गया है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेशम, अर्थात हम मिलकर समान विचार करें, हमारी समितियां हमारी सभाएं और सदन कल्याण भाव के लिए समान विचार वाले हो और हमारे हृदय भी समान हो। हृदय से लोकतंत्र को स्वीकार करने की ऐसी विराट भावना एक राष्ट्र के रूप में भारत ही प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए मैं जब भी दुनिया में अलग अलग जब देशों में जाता हूं, बड़े वैश्विक मंचों पर मौजूद होता हूं, तो मैं बहुत गर्व से कहता हूं क्योंकि हमारे कान में किसी न किसी कारण से एक शब्द भर दिया गया है। हमारी मन की रचना को एक जगह पे स्थगित कर दिया गया है, हमें बार बार सुनाया गया है कि वी आर अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र है और हम भी उसी को स्वीकार कर लिया है बार बार सुनने के कारण। मैं आज भी दुनिया के मंच पर जब भी जाता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि विश्व में लोकतंत्र की जननी ये भारत है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमने भी और बिहार वासियों ने तो खास दुनिया में डंका बजाते रहना चाहिए कि वी आर अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और बिहार की गौरवशाली विरासत पाली में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज भी इसके जीवंत प्रमाण है। बिहार के इस वैभव को न कोई मिटा सकता है न कोई छिपा सकता है। इस ऐतिहासिक इमारत ने बिहार की इस लोकतांत्रिक विरासत को
100 वर्ष तक मजबूत किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये इमारत भी हम सभी के नमन की हकदार है।